जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एड जी और इस वीडियो में बात करूंगा एनसीईआरटी के लिए। देखिए ये प्रश्न है और मैं आपको ये वीडियोस क्यों बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आप प्रेरित हो सकें, आपको सही जानकारी पहुँच सके कि आखिरकार एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है पढ़ना आपको, और नई एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। डायरेक्ट प्रश्न जो है बनते हैं वहाँ से, ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है ना, 2012 में आया था ये। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है, यानी कि गिद्धों की जो संख्या है वो कम हो रही है, उसका कारण इसमें पूछा गया था। तो ए ऑप्शन दिया गया था, नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड स्थलों का नाश, यानी कि उनके जो रहने का स्थान था उनका नाश हो गया, इस वजह से वो समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि ये जिम्मेदार थी इसके लिए, या फिर सी उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा था अपना। चौथा स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन है, उनमें हुआ व्यापक दीर्घकालिक और घातक रोग, यानी कि उनमें रोग हो गया था। तो ये बड़ा कन्फ्यूज करने वाला एक तरह से था, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो ये जानकारी, ठीक है पढ़ लेते हैं तो चीज़ें आ जाती हैं फिर बाद में। जैसे 2012 में ये प्रश्न आया तो उसके बाद क्या होगा, किताब जैसे ही तुरंत चालाक होते हैं किताब बनाने वाले, तुरंत ही उसे ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आता था ये वाला प्रश्न। हालांकि ये बहुत पहले चला था, जब मैं शायद 9th या 10th क्लास में पढ़ता था, उस समय मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं हमेशा से ही पढ़ता रहा हूँ न्यूज़पेपर, तो उस समय एक गिद्ध से संबंधित आया था, तो मैंने ये स्पेशल चीज़ थी जो मैंने अपने 10th के जो कोई एक बुक होती है उसके पीछे एक लिख लिया था, ठीक है उसमें लिखा था मैंने, और मैंने ये कहा था ये कभी ना कभी किसी बड़े एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा, है ना। और बता देता हूँ ये किस एनसीईआरटी से लिया गया है, ये आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की। अब यहाँ पर देखिए, ये पोर्शन को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर बगल की साइड में जो स्पेशली इस प्रकार के बॉक्सेस बना करके आपको दिखा दिए जाते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बने हैं, केवल एक ही प्रश्न नहीं है ये कि एक ही बना है, ये मुझे पढ़ते पढ़ते मिल जाती हैं चीज़ें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आप प्रेरित हो सकें, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनिक एस्पिरिन अथवा इब्रूप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी के से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने पर मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी गिद्ध से संबंधित ही बताने का प्रयास किया गया है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या था, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन था ये, गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण यानी कि बीमार पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, ये कारण है क्या मरने का, ठीक है। इसमें डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनेक एस्पिरिन और इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़क नासी से किया जाता था, उनके अपमार्जन, यानी कि जैसे मान के चलिए कुछ पशु होते हैं उनको बीमारियां हुई, उन बीमारियों के लिए क्या किया, ये दवाइयां यूज हुई, ठीक है, ये दवाइयां उन्होंने यूज हुई उनके शरीर में, वो घर कर गई, और मान के चलिए वो जो पशु हैं वो मर गए। अब मरे हुए पशुओं को कौन खाते हैं, गिद्ध खाते हैं, आप सभी को पता है। अब जो गिद्ध खाते हैं तो उनके साथ में इन दवाइयों की भी उनमें जो है मात्रा बढ़ती गई शरीर में गिद्धों के, अब इससे क्या हो गया, उनकी किडनियां खराब होने लग गई गिद्धों की जब जांच हुई, तो इस कारण से क्या हुआ, गिद्धों की संख्या में भारी कमी आ गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला बी। इस प्रकार से आपको चीजें पढ़नी होंगी एनसीईआरटी की, ठीक है। ये तो एक प्रश्न है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट इसी प्रकार से आते हैं, तो एनसीईआरटी में से इस प्रकार के जो बॉक्सेज हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक सारी एनसीईआरटीज के, उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और नई एनसीईआरटीज को पढ़ने का नंबर लगा दीजिए, और छोटे छोटे क्या बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए हर किताब की, हर बुक जो है एनसीईआरटी उसकी, और नोट्स जरूर बना लीजिए,
ये कभी ना कभी आपके एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। इसी एक ही एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। दिखाने को मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद देखें उस चीज़ को, और मैं तो एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो डेली आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, जिससे आप प्रेरित हो सकें। दोस्तों यूपीएससी तैयारी जो है आसानी आसान तैयारी है, यदि आपने सही स्ट्रेटेजी सीख ली तो। अब बताइए, 8th क्लास की एनसीईआरटी से आ रहा है, 6th क्लास की एनसीईआरटी से प्रश्न बन रहे हैं। आपको एनसीईआरटी बार बार बोला जाता है, लेकिन नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। जो लोग बताते हैं केवल बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी टॉपर ने बता दिया, टॉपर तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन जो लोग सेलेक्टेड नहीं हैं वो बस टॉपरों की बातों को ही दोहराते रहते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होता उन पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रहा और डायरेक्ट वहाँ पर प्रश्न दिखा दिया मैंने। इस प्रकार से आपके अंदर विश्वास जागेगा कि हाँ पढ़नी चाहिए, और एक एक शब्द पढ़ना चाहिए इसका, कुछ भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिएगा, पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देखते रहिए, उसका भी डिस्कशन कमेंट बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये मोटिवेशनल वीडियो के रूप में भी आपके काम कर रहे हैं, मुझे पता है। वीडियो को शेयर करना है जरूर। धन्यवाद।